सभी के लिए यहाँ पर टारगेटेड ट्रैफिक का व्यवस्था किया जाए। ऑन पैसिव बना है इसलिए कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑटोमेशन, टारगेटेड ट्रैफिक और लास्ट मनी फॉर ऑल एवरीवन, एवरी पर्सन के लिए जो भी ऑन पैसिव के साथ एंगेज हो। यहाँ पर ये भी समझना है सभी के लिए है लेकिन वो सारे के लिए जो ऑन पैसिव के साथ एंगेज होंगे। तो हमें ये याद रखना है यहाँ पर कि टाइम का डिफरेंस होगा, सभी को मिलेगा, टाइम का डिफरेंस होगा। आपने 4, 5, 3, 2 साल से यहाँ पर वेट किया है, आप थोड़े ये सोचेंगे, थोड़े आपको ये मतलब एक्सेप्ट होगा कि कोई आज ज्वाइन करे और मैंने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, मुझे प्रॉफिट जब मिल रहा है उसको भी तभी मिल रहा है, आपको भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और इसीलिए सिस्टम को ऐसा बनाया गया है, डेट एंड टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी कस्टमर्स को जो पैकेजेस कस्टमर्स खरीद रहा है वो तो यूज कर रहा है इंडिविजुअल, वो कनेक्ट और भी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे खरीदारी के बेस पर, लेकिन उसको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है। दुनिया में कौन से ऐसे कंपनी है कि एक प्रोडक्ट परचेस करते हैं या फिर बिना पैसे के आप सिर्फ एफिलिएट सिग्नेचर कर देते हैं और आप अगर किसी को शेयर करते हैं वो अगर परचेस करता है तो आपको कमीशन जनरेट होता है, वो आप इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हैं अपना पैकेज परचेस कर, दिखा सकते हैं बहुत सारे कंपनीज। लेकिन कितने सारे कंपनीज ऐसे हैं जो ऐसे भाव से काम करता है, एक दो कंपनी होगा जो एक दो प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको वायरल करने के लिए ऐसा करता है लेकिन बाद में वो बंद कर देता, बहुत सारे कंपनी। लेकिन ऑन पैसिव ऐसा नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके माध्यम से आप एक प्रोडक्ट को परचेस करिए और लाइफ टाइम के लिए उसका जो एक मान लीजिए साइकिल टू साइकिल जाने का आपको यहाँ पर सुविधा देगी। हो सकता है कस्टमर के लिए स्ट्रगल थोड़ा सा आपसे ज्यादा हो, कस्टमर को फाउंडर से थोड़ा सा ज्यादा होगा स्ट्रगल क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा देर में इंतजाम किया जा रहा है, देर में मतलब टाइम एंड डेट के अनुसार, जैसे उन्होंने ज्वाइन किया है उसी टाइम के अनुसार उसी टाइम एंड डेट के स्केल पर उनको दिया जाए, ये कोई देर नहीं है। आपको आपने पहले ज्वाइन किया इसलिए आपको पहले मिलेगा, उसने बाद में ज्वाइन किया वो तो बाद में आएगा, लाइन में जो पहले खड़ा होता है उसको पहले मिलता है कुछ या फिर जो लास्ट में खड़ा होता है उसको पहले मिलता है, आप ही बोलिए, लाइन में जो पहले खड़ा होता है उसको ही पहले मिलता है, लाइन टू लाइन पर्सन टू पर्सन जाता है, ऐसे ही ऑन पैसिव में होने पर। तो घबराने की कोई, जो भी ऑन पैसिव मतलब कस्टमर बन के परचेसिंग किया है आप ऑन पैसिव के साथ बने रहिए, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, इसका एडवर्टाइजमेंट आप खुद कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके अंदर अगर एबिलिटी है, आप अगर एक एम्बेसडर है कोई कोई भी एक कंपनी का तो आप इसके माध्यम से भी इसको प्रमोट कर सकते हैं, इजी है। थैंक यू सो वेरी मच, आशा करता हूँ कि आपको जरूर इससे कुछ हेल्प मिला हो। ओके, थैंक यू सर आपके बेहतरीन सवाल के लिए, और उतना ही बढ़िया हमारे रेहान सर ने उसका जवाब दिया। और आई होप इसके माध्यम से बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको ये क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हुआ। और निश्चित तौर पे दोस्तों, ये सिर्फ हम फाउंडर के लिए नहीं है, ऑल वन एवरी वन, हर एक व्यक्ति जो अनपीसी में आता है उनके लाइफ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए अनपीसी आई हुई है। तो उसके हिसाब से हमें हमारा बिहेव हमें रखना है। और चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, करता हूँ हमारे बीच में साजिद अंसारी जी को। वेलकम है अंसारी जी, आप आए हैं और अपना सवाल रखें सर। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत सर। मेरा सवाल ये है, जो अभी जो है ना एक शख्स ने बताया, जो कंपनी की तरफ से जो मैसेज या कॉल आया है, रेहन सर क्या मेरा आवाज आ रहा है क्या? ऑब्वियसली सर, सर मैं ये कह रहा हूँ, इतने दिनों से तकरीबन 2018 से लेके ये अब 2024 आने को आ गया, हर इंसान जो है मीटिंग में अटेंड रहता है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपडेट रहता ही है, लेकिन उस शख्स को ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रहा है जो कंपनी के तरफ से कोई भी कॉल्स नहीं आती है, हालांकि हर जगह मीटिंग में बताया जाता है जो कंपनी के तरफ से कोई कॉल्स नहीं आते हैं, नहीं आते, लेकिन फिर भी इंसान ये बेवकूफी क्यों कर रहा है? मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ। हर हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है, तो कृपया करके इस चीज पे सभी लोग ध्यान दिए,
जो कंपनी की तरफ से कोई भी अगर कॉल आ रहा है वो कॉल को रिसीव ही ना करे। अगर आप रिसीव करोगे आपका वो नुकसान होगा, तो वो आप समझोगे, मीटिंग में आके आप बोलोगे तो ये समस्या का समाधान आपका नहीं निकल पाएगा। आपका समझदारी वहीं पे अच्छा रहेगा जो कंपनी की तरफ से कोई भी कहता है मैं आपकी कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ, ऑन पैसिव कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो इस चीज को आप इग्नोर करिए। थैंक यू सर, इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू साजिद अंसारी जी। और दोस्तों, इससे एक चीज समझ के आती है कि आज हमारे आन पीसी को बहुत सारे लोग हैं जो वाच कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे हम यहाँ सेंध लगा सकते हैं, और वो हमारी एक गलती का वो इंतजार कर रहा है। और निश्चित तौर पे सर ने जो कहा कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है, दोस्तों अभी तक हमें कोई भी अपडेट ऐसा नहीं है कंपनी से भी कि हम कॉल करते हैं, तो इन सारी चीजों से हमें अवेयर होने की जरूरत है। और ऐसा अगर हमारे साथ हो रहा है तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया सर, ताकि हमारे और साथी हैं उनको भी पता चल सके, और उनके माध्यम से आज हमारे रेहान सर ने बताया भी कि ये सिस्टम अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, और ये कॉल अगर आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत होने का एक जरिया है, और उसके लिए हमें सावधान होना है। तो थैंक यू सर, आपने हमें अवेयर किया उसके लिए। और इसके बाद मैं मदद करता हूँ दोस्तों हमारे बीच में बात रखने के लिए राजेश कुमार चौहान जी को। आइए राजेश जी, आप अपनी बात रखिए सर। हाँ नमस्कार सर, मेरा आवाज क्लियर है? हेलो। क्लियर तो है सर? हाँ बिल्कुल। हाँ सर, सर मैं राजेश कुमार चौहान जसपुर छत्तीसगढ़ दुलदुला ब्लॉक से बात कर रहा हूँ सर। सर मैं जो क्वेश्चन था सर, मेरा आंसर मिल गया है सर। थैंक यू सर। हेलो हेलो। आपके सवाल का जवाब मिल गया है। जी सर, जी सर। ओके, अरे तो आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। फिर आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर बताइए सर, बताइए सर। जी सर, प्लीज रेहान सर, आप करिए क्वेश्चन। यस यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर, राजेश सर आपका जो सवाल था डेफिनेटली हमने कोशिश किया है अपने तरफ से, किसी भी साथी के माध्यम से आपका क्लेरिफिकेशन मिला है, जी और सर, हम ये क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहेंगे कि आप दिल से ये बोलिए, दिल से, ये मैं जी सभी के लिए एक मोटिवेशन के लिए भी बोलना चाहता हूँ, दिल से आप बोलिए आज सर को आप कितना विश्वास करते हैं या फिर कितना आप फील कर पाते हैं पार्टनरशिप को और आज सर। सर, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि ये मतलब हम दूसरे को तो देखे नहीं है, या फिर और जैसे इधर सूर्य भगवान जो आता है उसको हम लोग सुबह शाम देख रहे हैं, है ना, और किसी को तो हम देखे नहीं है सर, उस कैटेगरी के हम मानते हैं। क्यों भाई, ऐसा बदलाव ले आया सर 5 साल 4 साल में कि कहने